oh चिदम्बरा कटिकोटिप्रणाम शम्भु नमन दिगम्बरा कोटि कोटि कटिकोटिप्रणाम शम्भु नमन दिगम्बरा ज्ञान शक्ति समारोढसे तत्मरा विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता तस्मय श्री गुरुवे नै कोटिकोटि न योग ऋषि स्वामी महाराज तथा आयुर्वेद श्रिमणि आचार्य श्री महाराजका सूक्ष्म उपस्थितिलाई मनन गर्दै नमन वन्दन गुरुद्वयका चरण स्पर्श ओम आज मिति दुई हजार उनासी मङ्सिर बाह्र गते सोमबार नोभेम्बर अठाइस अ दुई विवाह पञ्चमी सीताराम विवाह महोत्सव जनकपुरमा सीताराम विवाह मेला हाम्रो पयस योग चौतारीको जन्म भएको नौ सय पचासौँ दिन उत्सवको दिन योग चौतारी चित्तवृत्ति निरोध चित योग चित्तवृत्ति निरोध जुन युग युगसम्म चलिरहोस् यसलाई फलाउन फुलाउन हाम्रा जनप्रीति हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आकृष्ट रहोस् हाम्रो यही कामना छ र केदारेश्वर महामरी पीठाधीश अति आदरणीय बन्दनीय स्वामी डाक्टर चितकन चैतन्य महाराजको सूक्ष्म उपस्थितिलाई मनन गर्दै नमन वन्दन गर्दछु र अति आदरणीय बन्दनीय आचार्य जोशी गिरिज्यूलाई नमन वन्दन स्वागत गर्दछु गुरु हजुर ओम यसै योग चौतारीका संस्थापक तथा पयस नेपालका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय लभराज भट्ट गुरुज्यू हजुरलाई स्वागत छ गुरु हजुर ओम आज नै यस योग चौतारीको जन्म भएको नौ सय पचासौँ दिनमा पुगेको अवसरमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु ओम अध्यात्म संस्कार संयोजक आदरणीय मैनाली गुरुज्यू हजुरलाई स्वागत छ नमन छ ओम प्रविधिमा बसेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने जो देशभक्त कर्म सैनिक भन्दा कम हुनुहुन्न उहाँहरू हुनुहुन्छ आदरणीय प्रतिभाज्यू आदरणीय राम निर्मलामधामज्यू आदरणीय रेजिना ज्यू आदरणीय शोभा अनामिका जिउ आदरणीय पुरुषोत्तम चालिसे ज्यू आदरणीय गङ्गाधर काफले जिउ आदरणीय सावित्री पराली परा, पराजुली जीव लगायत सम्पूर्ण सम्पूर्ण हजुरहरूलाई नमन बन्दन स्वागत गर्दैछु र यस भर्चुअल मञ्च अनलाइनबाट उपस्थित भगवत प्यासीहरू अति आदरणीय बन्दनीहरू सबैमा स्वागत नमन गर्दैछु र दिप प्रज्वलनको लागि र आवृत्तिको लागि हाम्रो पुरुषोत्तम गुरु होइसिन्छ र दीप प्रज्वलन हामी केशव अर्याल आदरणीय गुरु केशव अर्याल आदरणीय कमला अर्याल लगायत हामी सम्पूर्णले सामूहिक रूपमा प्रज्वलन गर्नेछौँ हो हजुर दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने तयारी गरिसकेका छौ अब हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यही स्वच्छ अनि स्वस्थ वातावरणमा सम्पूर्ण विकार रहित म तिमी नै हु तिमी म नै हौ भन्ने सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई प्रकाशित पारिदि पारिदिनु हुने यसै विवेक <coughs> चुडामढीको आ, बा, एक सय छबिसौँ श्रृङ्खला तथा आध्यात्म संस्कारको पाँच सय उना दिन र श्लोक नम्बर दुई सय सडसठ श्लोकबाट सुरु लागि म आज यस कार्यक्रम सञ्चालिका निर्मला विष्ट विनम्र अनुरोध गर्दछु ओम गुरुवर स्वागत छ यहाँलाई ओम धेरै धन्यवाद आदरणीय निर्मला निर् आज दीप प्रज्वलन कमला हरजाल जी जी लगाए संपूर्ण देवी दीदी रामजी जी लीलाजी जी जूनाजी सब म प्रणाम आज का यश योग जी का यश कार्यक्रम का, का संयोजक जीव अध्यात्म संस्कार का संयोजक जो लगाए संपूर्ण मित्र हरु अरा प्रविधि लाएलिएरा खटीर रवनो भये का पूरा जिम्मेवारी वहन करनो भये का प्राविधिक मित्र अल्लाही परिनमन छा अरा उपस्तित सभे अध्यात्म प्रेमी जन में हार्दिक नमन करदछो स्वागत करदछो प्रणाम छा अब आज विवाह पंचमी को दिन सब हार्दिक शुभकामना र रही विवाह पंचमी कहला अब आज रमाइल कराक पंद्रह मिनट भी हम गए विवाहक चहल पहल कसले के बोलते सब व्यस्त होनी

भद्रं पश्ये माक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गै वागुंसस्तनोभिर्वशे महि देवहितञ्जदायुः ओ स्वस्ति न इन्द्रो भृधस्रवाः स्वस्ति नः पु विश्वभेदाः स्वस्ति न स्तार्ख्यो स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो नो बौद्धाः बुद्धयति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्थ जैन सा कर्मेति का सोय वो विदा वाचित फल त्रैलोक्यनाथो हरि त्रैलोक्य हरि हरी, हरी। सब अभिवादन बड़ा रमाइलो वातावरण विवाह को अने यहां कति जोड़ा बस् आज विवाह पंचमी को दिन में जी लाई राम जाने की को स्वरूप लीला लीला जी को नाम तो लक्ष्मण जी राख उर्मिलाजी साम मिल दुजना मत मैं देखे लीलाजी लक्ष्मी जी को राख राम जी को नाम कति रमा मिले जनक दशरथ अति प्रीति करी लौकिक वैदिक सब रीति मिलत महा दो राज विराजे उपमा खोज खोज कबी लाजे राम जी को अवतार अयोध्या में भे सीता माता तो नेपाल पुत्री हु धरती पुत्री हु सीता माता को अवतरण इसी भूमि में भाई में हमी गर्वान्वित गर्व छव जनकपुर में जनकपुर का वरीपरी का झापा तीर का निर्मलाजी सब होला हो अब यो जो मना इस लगभग लग लगभग लग लग सप्ताह व्यापी यो कार्यक्रम मना ठूल राम जानक मंदिर छ अरे आजाए का दिन माँ अब राम जानकी विवाह कथे रामलो प्रसंग रामायण माँ अमुचा तुलसीदास माँ मने अगी जस्ते ही भाई एक अर्का को कसले कुरा सुन्ने सबे अपना कुरामा मस्त बीहे माँ जस्ते ही को अर्का चिन्ने चिने सबे चिने का जस्तो सबे न चिने का जाए ये तबादला उतार दकरे आचन उतार उता� बड़ तोड़ चले पहचानी को सब सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूलहु उभय दिशी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए अवलो की शील को विबुध मन प्रमुदित भय राम जी को विवाह में अरुण अरु देवता आया थे वेश बदले अब वेश बदले रामजीले भगवान्ले देख्नुभयो हा मेरा त यी अनेक अनेक देवताहरू आए अब त्यहाँ चिन्ने कोही छैन अलग अलग वेशभूषामा आएका छन् त भगवान् रामले भन्नुभयो यसो गर म आसन दिन्छु होइन मानसिक आसन दिए कहीँ गुरुहरू श्रेष्ठहरू कोही आउनु भएको छ भने आसन अवश्य दिनुपर्दछ होइन आसन दिनों भगवान ले बसी बसी करा आपको तो त्यां दूल्हा को उठाऊंगा बसने में आज अनि हम यहाँ जो छंद दूल्हा को गोड़ा दहेजी ने लागे पकारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावले नभ नगर गान निशान जय धुनी उमंगी जनु चहु दिशी चली जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराज ही जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाज ही अब जैसरी पांव पखारने वाला काम है अब सीता को सीता को राम को एक आसन में विराजमान भवस्थ अनंदी तो अब दुल्हा का पिता बड़ा मस्त हाई आज राम जानकी विवाह अल स्मरण कर स्मरण कह आए वने? जो हलचल मचि जो हलचल मचियो हम कार्यक्रम में प्रारंभ में ते हलचल विवाह को हलचल जस्तों लगे मैं अल रईलो अब विवाहक हिसाब में म अनि विवाह को तैयारी भाई अब त्यागने रह जनकजी गए अब दशरथजी बने एक ठोमा अब कुरा होन्चं द दुआई संधी संधी को अरे ये तो ठीक थियो अब केटा आयो चार यहाँ पनी कन्या आरु छंचार अनि विवाह होन्था लो एक एक कोई तो भाई कुरा होन्चं संधी संधी को कुरा। अनि गुरुलाई बोला गुरु एकैको गर्ने कि अरू पनि बोलाउने के गरने? तब जनक पाई आयस ब्याह सवारी के। बोला अरूलाई पनि बोला यही कुरा मिलाउँछु कहाँ मण्डपमै बोला मान्डवी श्रुत किरती उर्मिला कुंवारी लाई हकारी कई भाई की छोरी दिन मांडवी मांडवी के आ मांडवी भरत जी का लागे तैयार भे श्रुत कीर्ति नाम करे कि शत्रुघ्न संग विवाह करने निश्चित भयो अनि उर्मिला उर्मिला त्यो लक्ष्मण जी का उर्मिला तो लीला राज्य बस्त उ जनक जानकी की बहिनी उर्मिला उर्मिला का धरेंगे कथा पैले हमने पढ़ा थे उर्मिला को जस्तो त्याग धरें कम को हो अर्मिला को त्याग का कारण लक्ष्मण शक्ति प्राप्त भो वर्णन छ तो उर्मिला को योगदान कम ल सीताजी तो संगसंगे मत बिराह रहन सक तर उर्मिला उर्मिला लक्ष्मण जी का साथ में तर गईन किन किनकि जी को अनुमति पति को अनुमति बिना उर्मिलाजी गईन तीस मेरो काम सेवा करने हो लक्ष्मण जी मेरो काम सेवा करने हो मैले आफ्ना माता पिता दाई भाजू को सेवा करने हो तिमी गिघ्न हु तिम्रो रक्षा करने कि तिम्रो देखरेख करने की, देख की भाजू को मैं सेवा करने की अब बारे में एटा मंडप में बिराज मंडप में अब चार भाई बहनी जो मंडप में आसन छो संग आज को प्रसंग रोकऊला फिर विवेक चूड़ामणी में जानू हम अनुरूपीनी मन में संकोच हो तर उठने मन लगे हिय हर सही मन में भित्र भित्र, भित्र आनंद हो विवाहको बेला सम्झाउनुहोस् जस जसले विवाह गर्नुभएको छ होइन बोल्ने पनि हुँदैन अब आजभोलि त यो अब हामी जस्तै यो दुई वर्षपछि बोलेको कहाँ होला नि मुदित सुन्दर तासरा सुर मन सही सुन्दरी सुन्दर वरन सह सब एक मंडप राज मंडप मनु जीव अवस्था विभुन सहित विराजी जसी रघुबीर ब्याह विधि करनी सकल कुआर ब्याहे तेहि करनी जसरी जिसरी रामजी को विवाह भो तस्त ते चार भाई अरु को विवाह संपन्न भो राजा जनक ने सब को सत्कार करे रही तुलसीकृत रामायण यहीं बिहान खोजे दुई एक दुई छंद चौपाई यहाँ सुनाऊ मन लगो अभी इसो खोज नजीक नजिक यही पैल अब सुना मन तो मतलब भानुभक्त रामायण थी तर अ काग जो पुस्तक हतार हतार में जो हाथ में आए तेईवा मैं यहाँ ल्रवण कराए कही मात्रा में भस मिनट मात्र मैं लीक छु इस धे समय मैं लीक छे समय न समझना होगा बजना तो साढ़े आठ बजी सकियो अच्छा अब आज को यस विवाह पंचमी को सब में हार्दिक शुभ कामना बधाई हम्रो विवाह पवित्र कार्यगी हो उश्रृंखलता का, <coughs> का जो जो जोड़ा हो सही सलामत भगवान को कृपा ले धरती में उपस्थित हो बाकी जीवन भगवान राम जानकी को आराधना में कहिले कलह क्लेश इत्यादि न हो एवं सुंदर जोड़ा को रूप में यहाँ रहने हो मेरो शुभ कामना दु 266 छिया श्लोक हमीर विवेक चूड़ामणी को हिजो यही स्वाध्याय हमेशा ग्यौ यहाँ को जो वर्णन थियो 266 सौ छियासठी नंबर को बारे में भो कि पंचमहाभूतर का यो संघात का रूप में शरीर में चैतन्य स्वरूप विशुद्ध आत्मा लाई कस्तो जान जसरी सेना में स्थित राजा जस्ते जाने रा। सदै आप स्वरूप में स्थित रह ज्ञान को आश्रय लिद विश्व ब्रह्मांड लाई। ब्रह्म मन विलीन कर चले आज को आवृत्ति हो 267 नंबर बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं ौ गुहायां सदिलक्षणम् नमास्ति सत्यं परमा द्वितीयम् ब्रह्मास्ति सत्यं परमा द्वितीयं ब्रह्मास्ति सत्यं परमा द्वितीयम् स्ति सत्यं परमद्वितीयं तदात्मना योद्गुहायाम् तदात्मना यो त्र वसे तदात्मना यो त्रवसेद्गुहायाम् तदात्मना यो त्रौ सेद पुनर्न तस्याङ्गगुहा प्रवेश पुनर्न तस्याङ्गगुहा प्रवेश पुनर्न तस्याङ्गगुहा प्रवेश नर्न गुहा प्रवेश पूरा श्लोक उच्चारण कर गुहायाद सदिल ब्रह्मस्ति सत्यम परमितयम तदात्म तसेद गुहायानर्न गुहा प्रवेश

एउटा सानो कुरा भन्छु दोस्रो लाइनमा ब्रह्मास्ति सत्य परमद्वितीय भन्नुभयो म पुरा छ होइन परमद्वितीय यसरी भन्नु होला बाँकी ठिक छ है त परम परमद्वितीय आ, दुतियम। परम द्वितीय परम द्वितीय भनेपछि म आधा भइहाल्छ होइन म कहाँ आधा म त हो परम त हो तर द्वियम होइन त्यो अद्वितीय हो अ पनि जोडियो आधा ममा अ जोडिएर पुरा म बन्यो होइन त्यो द्वियम जस्तो देखिन्छ नि त्यो अद्वितीय हो है त ल धन्यवाद पुरुषमजीलाई अब यहाँ के बन स्थूल तथा सूक्ष्म सूक्ष्म ले जो भिन्न छ जो परे छ जो अद्वितीय छ जो सत्य स्वरूप छ यस प्रकार को जो ब्रह्म अस्ति ब्रह्म छ बुद्धि रूपी गुफामा में बुद्धि रूपी गुफा में स्थित छो ब्रह्म का साथ में एकात्म त्यस में निवास आप हे बच्च त्यसको फेरी आमा को गर्भ रूपी गुफा में पुनः संसार चक्र को आवागमन में फेरी प्रवेश हो यह भाव हो बुद्ध गुहायाम बुद्ध गुहायाम ब्रह्म का आधार में बुद्ध बुद्ध रूपी गुहायाम गुफा में कंदरा मह्म अस्थि तो ब्रह्म को वास निवास छ कस्तो छ त्यो सदसद विलक्षण सदसद विलक्षण सद असद विलक्षण सत् स्वरूप असत स्वरूप सत्र र असत सत स्वरूप असत स्वरूप यी दुवैबाट विलक्षण यानि कि भिन्न त्यो सत्र असद रूपबाट त्यो भिन्न छ त्यो ब्रह्म कस्तो छ ब्रह्म अस्ति कस्तो छ सत्यम त्यो त तो सत्य स्वरूप छ सत्यलाई प्रमाणित गर्नुपर्दछ परेन सत्यलाई प्रमाणित गर्नुपर्दैन सत्य आफै प्रमाणित हुन्छ सत्य सत्य हो प्रमाणित केलाई गर्नुपर्छ असत्य प्रमाणित नदी प्रवाहित भे नदी प्रवाहित सत्य अब इस कस प्रमाणित ही खोजो बाढ़ लगे रोक्ला अनेक थरी तो देखा खोजाला कि नदी लोके उसके प्रमाणित कर पर्यटक प्रमाणित कर परेना सस्तो छ त्यो ब्रह्म परम त्यो परम परम सर्वोत्कृष्टम अद्वितीयम त्यस जस्तो अरको कुनै छैन अद्वितीयम आदितीयम दोस्रो नभएको अद्वैत दोस्रो नभएको कहचा बुद्ध गुहायाम कहीँनिर यहाँ बुद्धि रूपी गुहामा भन्छ होइन शास्त्रहरूमा पनि कहीँ हृदय रूपी गुफामा भन्छ त्यसलाई के रूपमा लिनु पर्दछ ज्ञान रूपमा लिनु पर्दछ प्रतिबोधेदित विदितम् प्रतिबोध ज्ञान विदितम् विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि अंतरज्योति पुरुष कस्तो अंतर ज्योति पुरुष हृदय का जो ज्योति का स्वरूप में इस प्रकार को ज्ञान स्वरूप तेज स्वरूप ज्योति स्वरूप परम आनंद स्वरूप चेतन स्वरूप निवास स्थान इस श्लोक में बुद्ध गुहायाम बनी कहीं ह्रिदि वन्द्येवंस बुद्धि मा बुद्धि रूपी गुफा मा त्यो सत्रा असत रूपले विलक्षण माने भिन्न जो ब्रह्म त्यो सत्य हो त्यो परम अद्वितीय हो इन सत असत तेस भिन्न विलक्षणम भिन्न तद आत्मना यह अत्र वसेद गुहायाम जो त्यस का साथ में यह तो अपने भीतर से अपने बुद्धि में अपने हृदय में अपने अंतःकरण में इसको वास छ तद आत्मना जो त्यस में यो अत्र वसेत गुहायाम जो त्यस का साथ वस्त छ जो तेस्का सात्मा एकाकार ऊंचा यो आइले सब में यो ब्रह्मतत्त्व को भावना महावाक्य विचार आदि आमिले के केकाल आगे करें एकत्त्व तो को भावना सिद्ध करना यदि कुरा आमिले करें तद आत्मना यहां अत्र वसेद गुहायाम जो तेस्का सात्मा एकात्म स्वरूप भैरा तेस्व गुफामा निवास करता जो ते गुफा भार एक साथ आत्मा का साथ में जो बसे जो बस्त अंग गुहा प्रवेश पुनर्न फेरी तस्य तस्को अंग गुहा प्रवेश अंग रूपी गुफा में प्रवेश फेरी हुईन अनि अंग वन्दले यहाँ निर एउटा शब्द के आयो कि गर्भ रूपी जुन अंग छ त्यो अंग रूपी गुफामा गर्भमा त्यसको प्रवेश हुँदैन फेरि त्यसले गर्भवास बस्नु परेन न स पुनरावर्तते यसको फेरि आवृति हुँदैन पुनरावृत्ति हुँदैन गर्भमा नै जानु परेन भने मातृगर्भ रूपी गुफा में प्रवेश करेन संसार में जन्म नहीं अब जन्म भेन संसार को चक्र मेटिश तो जो इस अंतकरण में रहे को, जो परमात्मा को वास चा। जो सत्य सत्यस्वरूप जो परम छ जो अद्वितीय छ जो ब्रह्म जो सत्र असद भिन्न छ जो हमी संगे यहाँ बास जो तेस का साथ में एकात्म भाव ले जो बस्त को फेरी अर्क जन्म में आवृत्ति होते गुहा प्रवेश न स पुनः आवर्तते फेरी फेरी फर्क आऊ एक ठावेखी आत्मा चेत बीजानी अयम अस्मति पुरुष किमिच्छन कश्य काम शरीर मनुष्ज्वरी जिससे यहाँ संगसंग बसी रहने वाला इस शरीर का भित्र वास करने वाला आपू में नहीं बस्ने वाला इस आत्मा लाई जिसले जाने हो, यो मन हूँ इस प्रकार ले यो तो ब्रह्म यही आत्मा हो अनि यो मन हूँ मेरो स्वरूप यही ब्रह्म स्वरूप वाला हो यदि जसले यस प्रकार ले जाने हो फेरी अरु कामना नहीं रहते ना फेरी कामना न शरीर धारण किन गर्मो पड़े अ श्लोक तो वुद्ध गुहाया सद विलक्षण ब्रह्मास्ति सत्यम पर वसे गुहायानर्न गुहा प्रवेश तो यह जो भावना रहो कि महावाक्य विचार को ब्रह्म भावना ब्रह्म भावना का ही फेरी महावाक्य विचार महावाक्य विचार में प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसी का बारे में के ही विचार करने प्रयास यहाँ लेर हम महावाक्य विचार में फे ब्रह्म को चिंतन ब्रह्म भावना ब्रह्म को एकता का बारे में विभिन्न उदाहरण का द्वारा धेरे जसो यो, यो आत्मा नहीं तो ब्रह्म हो विविध लक विविध उदाहरण द्वारा बताइए माटा घड़ा को रूप में धेरे उदाहरण बताइए रब दुई सौ अठसट्ठी में श्लोक में हमी आत्मा अनात्म विवेचन भी, यहाँ भो अब जो अब को जो प्रकरण चलिए सातवा चैप्टर जो चले आप महत्वपूर्ण छा नाम दिया अभ्यास निराश अभ्यास यसको यो नया प्रकरण को नाम कुछ पुस्तक में यो अभ्यास निराश कि दिएन दिएन होनी तेजमा तल फेरी अर्क को लेखे को के रहे वासना को त्याग मूल प्रकरण प्रकरण जो चलो मूल प्रकरण चलो कि वासना को अभ्यास निराश को प्रकरण चलो असैमा वासना त्याग लाई सबा पे निरूपण कर बताइ असना को त्याग करे पी इस अध्यास निराश लाई अगाड़ी कभी दु सौ अठहत्तर नंबर श्लोक देखि तेस पीछे को यह भ्रम को निवृत्ति भ वर्णन यो प्रकरण को नाम अध्यास निराश नहीं हो अब अभ्यास जो शब्द अभ्यास भजार तो बुझ्च अभ्यास मिथ्या ज्ञान लाई मिथ्या ज्ञान लाई अध्यास भ्रमित ज्ञान लाई अध्यास भास्ट भाई सीधा भाषा में धोखा एक किसिम है जो होनु पर सत्यों भाई ना ब्रह्मबर भा, कल्पना बर तेज़ लाई अध्यास बनी बने को निरस्त कर दिनु तेज़ को आसाले रहित होनु अच्छा अर्को अध्यास को उदाहरण अजुलाई माध्यम अध्यास शब्द कहीं आये बने एक वस्तु में अर्का वस्तु को ज्ञान होनु अध्यास हो ठीक च एक वस्तु में अर्का वस्तु को ज्ञान हुनु यसलाई अध्यास भनिन्छ अच्छा अर्को अध्यास को एउटा उदाहरण हजुरहरु सबैले सुनेको कुरा जो छ त्यो हामीले डोरी में सर्प को ज्ञान है जस्ते एउटा डोरी छ डोरीलाई हामीले के समझौ सर्प समझौ तर त्यो हो, हो हाम, तो डोरी हो तो डोरी तर हम हमी ज्ञान कस्तो भो सर्प को ज्ञान भो हमी सर्प नहीं हो भाई ठान्यौ तो यो इसलिए वेदांत को भाषा में अभ्यास भाई भ्रांत ज्ञान भाई मिथ्या ज्ञान ठीक से? यो प्रकरण जो चलो यो इस अनुसार को प्रकरण चलो यो अध्यास निराश अभ्यास लटाने अभ्यास निरस्त करने इसको उदाहरण में यह कस्टो हो अभ्यास डोरी में सर्प को भान हो डोरी में सर्प को जान हो यही अनसार ने समझो अर्को अब जो प्रसंग चलो के यहाँ पुस्तक में वासना त्याग ह पहले को वासना त्याग अब वासना त्याग आसक्ति पनी वासना हो मोहादी पनी वासना ही हो अच्छा अर्को दर्शन शास्त्र अरुमा वासना केलाई लाय बनियो बने स्मृति हेतवाह ता, ता वासना है वासना के उन स्मृति हेतवाह स्मृति का कारण वासना को एकदम शुद्ध वेदांतिक जो व्याख्या हो यो हो आगे? वासना दर्शन में व्याख्या आँच त्याने फेरी अलमलिशन के भनु के भनु भू बिर्स कहीं वासना को अर्थ हो कि जो संस्कार स्मृति का कारण बन्द छन् ती वासना हुन् ठीक छ जो संस्कार स्मृति का कारण बन्द छन् ती वासना हुन् या यसलाई यसरी लेखे पनि जो संस्कार स्मृति लाई उत्पन्न गर्छन् ती वासना हुन् दुई लाइन भयो तेस्रो लाइन यसरी पनि यसरी पनि लेख्न सकिन्छ जसका कारणले कुनै कुरा याद आउँछ ती वासना हुन् है त अब कुन शब्द हजुरलाई सजिलो लाग्छ त्यो लेख्नु जसका कारणले स्मृति उत्पन्न हुन्छ कुनै कुरा याद आउँछ कुनै कुराको सम्झना आउँछ त्यो सम्झना आउने कारण वासना हुन् त यसको संस्कृतमा के सूत्र छ स्मृति हेतवः ता वासना स्मृति ता, ता वासना स्मृति का जो कारण बने ती वासना अब यो शुद्ध व्याख्या अब सामान्य रूप में वासना लाई हमी आसक्ति का रूप में मा जो मंदौ मई हूँ वाला जो भावना हमी राखद ल जय हो ल जानकीजीले पनि आज जा यहाँ गुरजो जल लिएर आए दैनिक यो बेलामा रस प्राप्त गराउँछ जानकीजीलाई उहाँको नाम पनि जानकी हो होइन तर मेरो नाम चाहिँ राम भएन मेरो नाम सुदर्शन भयो होइन सुदर्शन <laughs> <coughs> पनि रामकै रूप त हुनुहुन्छ नि जय होने प्रत्येक हमले तो प्रत्येक जोड़ा में राम जानकारी प्रत्येक व्यक्ति राम हो अब ब्रह्म को चिंतन आपे में बनाए पी सब राम हो के नर के नारी के स्त्री के पुरुष भाव में राम हो लत्म भाव में राम हो आत्मा राम। आ, आत्मा, आत्मा, आत्मा अमीले यो विवेक चूड़ामणी पड़ोज स्त्री पुरुष यो भावना होने क्योंकि यो भावना रखने यो विवेक चूड़ामणी को फेरी विवेक हरा भाव चा। ले राम जानकी जानकी राम सब एक ही अच्छा यहीं वासना वासना का कारण ले अभयन्तः वासना का कारण ले इस्मिर्ति उत्पन्न होन्छा वासना का कारण है वातावरण बन्द छा स्मृति आयो तेही अंसार को वातावरण बन्द ही जान छा कहीन कहीन का के ने के ही अभयन्तः वासना कहाँ आयो कोई कुनेन कुनेन किस्म को कर्म गरियो

त्यो के का लागि फलका रूपमा फलका रूपमा जो अगाडि आउँछन् त्यही वासना हुन् यदि जसले कुनै कुरा याद दिलाउँछ त्यो पनि वासना है ल यो श्लोक त पढिहालौ कति समय पुग्छ श्लोक अनि महत्वपूर्ण पहिलो श्लोक राम्ररी बुझ्यौ भने अगाडि पनि राम्ररी जान्न मिल्दछ फेरि बुझिन्छ

ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना नादिरेशा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढायास्य संसारहेतुः कर्ताप्यह मिदृा दृणायास्य संसार हेतु कर्ता भोक्ताप्यहि दृढ़ाया से संसार हेतु कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा या स संसारयेतुः प्रत्यग्दृष्ट्यात्मनि निवसता शापनेया प्रयत्ना प्रत्यगदृष्ट्यात्मनि निवसता प्रयत नादृष्ट्यात्म निवसतापने प्रयत्न प्रत्यृष्ट्यात्मनी निवसता शापनया प्रयत ना मुक्तिं प्राहु तदिहमुनयो वासना तानवं यत् मुक्तिं प्रावुस्तनयोक्तिं प्राहु तदिहमुनयो वासनातानवं यत् मुक्तिं प्रावोस्तमुनयो वासनापानों यत् ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवते वासनानादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसारहेतुः प्रत्यग्दृष्ट्यात्मनि निवसता सापने आ प्रयत्न मुक्तिम प्राहु तदिह मुनयो वासना तानवम या ज्ञाते वस्तुन्यपि वलबत्वते वासना नातिरेशा कर्ता भोक्ता प्यहमिति दृणाया स संसारहेतो प्रयत् प्रत्यगदृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान् भुक्तिं प्रावुस्तदीयमुनयो वासनातानवं यत् धन्यवाद। अब यहाँ निरा। अब प्रारंभगरियों प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण अच्छा अध्यास को मिथ्याग्यान को अध्यास आरोपित शब्द पनी बनें आरो बनने वाला अर्थ पनी लागे अब हो एक यो आत्मा माँ के को उपाधि रहे, के को आरोप लागे, के का कारण ले यो, पंच कोषादि का कारण है। हमें पढ़ी सके यो, ये तेज़ी बाटे घेरी जो देखें इंज़ातेई समझें। अब ज्याते वस्तुनी वस्तु जाते वस्तुनि अपि बलवतीसना वासना कर्ता भोक्ता अपि अभी इति दृढ़ा संसार हेतु प्रत्येकृष्ट आत्मनि निवशता स अपनेया प्रयत्नात् मुक्तिम प्राहु तदिह तत इह मुनयः वासना तानवयत तानवम यत अब इस लाई के बनियो बनी भनिय। जाते वस्तुनि अपि वस्तुनी आत्मनि ज्ञाते अपि संपूर्ण कुरा को आत्म वस्तु को ज्ञान भरपनी ज्याते कस्त ज्ञात भले के पढ़ो पांच कोष बाट यो भिन्न हो यो ब्रह्म आत्मा ये अभिन्न हुन, ये एक हु शास्त्रतः युक्ति ज्ञाते अभी शास्त्र को सिद्धांत का द्वारा ज्ञान करे युक्ति का द्वारा ज्ञान करे करे पनी।, पनी या वासना वासना आदि एसा या अश्य संसार हेतु या वासना जुन यो वासना यो के हो यो जो सना तेती ज्ञान भर प्न यो पंच कोश अलग हो ब्रह्म आत्मा अभिन्न हो यो सब जाने पर जो वासना त्यो के संसार को हेतु बनेक या वासना अस्य संसार हेतु जो वासना इस संसार को हेतु माने कारण संसार कारण संसार को कारण कर्ता भोक्ता दृढ़ संसार हेतु कर्ता भोक्ता अपि अहमिति अहम कर्ता अहम भोक्ता अपि इति दृढ़ा दृढ़ दूरुच्छेद जिस दृढ़ बने को जिस हटा सकि इस प्रकार का बड़ा बलवती कि मन ही कर्ता हूं मन भोगता हूं कब देखी यो वासना कब देखी चले ये यहां संस्कार मन में आई रहे यहां स्मृति मन में आई रहे स्मृति प्रकट भई रहे तो यह स्मृति प्रकट हो यह तो प्रारंभ देखी अनादिदी अनादी रेस वासना वासना ना दिरेशा, दिरेशा वासना अनादिरेशा अनादि ही वासना बहु का आलाद अनुभवता समय देखी यो निरंतर पच्चाई रहे कोचा पच्चाई रहे कोचा ऐसा वासना बलवती यो साधारण होइना यो वासना बलवती था जति आमिले गरे बनी जति ज्ञान गरे बनी अज वासना उपलेमाथी यस प्रकारले अवस्थामा के गर्ने त आत्मनी ब्रह्मणी प्रत्येक दृष्ट्या आत्मनी ब्रह्मणी आत्मनी भने आत्मामा यो ब्रह्मणी प्रत्यक दृष्ट्या प्रत्येक दृष्ट्या प्रत्येक भन्छ आंतरिक दृष्टि द्वारा बहिर्मुखी दृष्टि अंतर्मुखी दृष्टि द्वारा समाधि का द्वारा अभेद ज्ञान का द्वारा अभेद ज्ञान निवसता नितराम स्थिति मत इसी निरंतर स्थिति प्रज्ञा द्वारा यो वासनाको प्रयत्नाद अपनेया साप्रयत्नाद अपनेया यसलाई प्रयत्नपूर्वक अपनेया यस, प्रयत्न यस वासनालाई दूर हटाउनु पर्दछ टाडा गर्नु पर्दछ सा अपनेया सापनेया अपनेया नाशनीय आदि अपनेया भनेको टाडा हटाउनु दूर गर्दिनु इसको नाश करीद प्रकार को अर्थ लिखा अपने नाशनीयात तो वास्सनाता नव स्वकार्य न स्व्य अनाधायकम अनुत्कटत्व यदेवलोकेस्त्रे व मुनै जब जब इसलिए कार्य सकते फेरी है जब आप कार्य कर सकते जब इस वास्सना अलग हट् वासना, वासना तानवम वासना यो तनुताय प्राप्त मने को तनुताय प्राप्त करें तो सुनने भाषा योगदर्शन में तनुट तानव अवस्था है वासना क्षीण हुई जान इस ल वासना तानो मने वासना जब क्षीण होते ही यत तेसे ही मुनि मुक्ति भनियो हो दृढ़तम अगे पहले आई मैं बता साधन सतुष्टय विवेक ज्ञान आदि वैराग्य आदि सब चाहिए ना भय राग्य ना भयी विवेक न भयी कना कसली आगारी बढ़ने तो साधन सतुष्टय आदि समदमादि तेस्मा रहे यो सम्पत्ति बिना ब्रह्मलाई जानेर पनि ब्रह्मविदो फेरि जानेर पनि वासनाका कारणले मनमा अशान्ति रहन्छ फेरि फेरि विषय वासनामा फर्कन्छ त्यसैले सबभन्दा पहिले समाधिस्थ भएर यो समाधिस्थ हुनु वासनाको त्याग गर्नु यो वासनाको त्याग गरेमा मुक्ति हुन्छ अन्यथा मुक्ति हुन सकते तो वेदांत का वचन के भनिवे नहीं के जानी बिना जान मुक्ति नास्ती ज्ञान तो तो ना, तो ना, का बिना मुक्ति ज्ञान तो आवश्यक भो तर ज्ञान पर्याप्त भो कि भेन ज्ञान मत्र पर्याप्त होते ज्ञान का संग सला व्यवहार में लागू करद हमी आपू में जीवन भी पर्द ज्ञान करने अस पच्चीस अहंकार करने विविध को म कर्ता हूँ म भोगता हूँ के हो यो अहंकार नहीं हो ते आत्मज्ञान पर्याप्त कति जना कति व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चिप्ले क्या कि म कर्ता हूँ म भोक्ता हूँ आप भगवान बन थाल आप सर्वे सर्वा मन थाल त तो आत्मज्ञान पी जो ते प्रकार को अहंकार शेष रह अहंकार का कारण दावी को वासना कुने बेला प्रकट होना सकद वासना स्मृति प्रकट होना सकद तस्त ते अहंकार बच्चा व्यक्ति ले लाई कर्ता रोक्तापन टाड़ा करद कर्ता भोक्ता भहंकार आई हाल फिर अहंकार आयो कर्ता भोक्ता भन्न थाल फेरी जन्म मरण को कारण बंद फेरी गर्भ को कारण बंद अहंकार तो का कारण ले कर्ता भोक्ता आपूलाई मेवा वाला वासना बीज का रूप में विद्यमान रहो तो वासना को त्याग ज जरूरी तो विभिन्न क्लेश के पर यो यो पनी क्लेश उन दुख दिने वाला वासना आदि इन्हीं अरूप को तनुकरण करनो पड़ता है कमजोर करनो पड़ता है छीन कर जानो पड़ता है इन्हीं अरूप कमजोर भाई बची फेरी माथी उठना पाऊं देना फेरी त्यस प्रकृति का स्मृति अरूप मन में आदन अतः वासना को त्याग वासना को त्याग नगरकन मुक्ति प्राप्त होना सकते मुक्तिम प्राहु तदिद मुहन मुनयो वासना तानवम अंतिम लाइन पढ़्स ती रातिम प्राहु तदिह मुनयो वासना तानवम यत मुक्ति हो मुक्ति में शंका गुन पैले आप वासना लाई क्षीण कर वासना हटा जान मे वाला हूँ भोकता हूँ म करता हूँ इत्यादि अहंकार पूर्वक कर विभिन्न अन्य वासना हरू, इच्छा हरू, यो सब लाई घटा जान घटा जान मुक्ति अवश्य प्राप्त ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णमुदे पूर्णश पूर्णमादाय ओम शांति 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 धीरे धीरे धन्यवाद मैं हजर को के ही समय आज बड़ी लिए यो पहले को समय को पूर्ति का कारण श्लोक पूरा नई अलिक अगाड़ी बढ़ाए इसमें नरिशाओं होला आज बड़ी समय लियो वगैरह ज्ञान में रिशाओं होने ना पक्का रिशाओं ने होना अब टाव को ना हल्ला एवं बोला रिशाओं ने होना पक्का बुझे ना हज़र हल्ला देरे देरे आवार प्रणाम जति ज्ञान सा लीनुस है ना बच्चे को ज्ञान तो हमरा गुरुदेव आओ उनसे स्वामीजी महाराज देश प्रशस्त ज्ञान दिनो होला तरपनी जति तब छ यो ज्ञान ग्रहण करते रह जीवन में मुख्य विषय आपको ज्ञान ग्रहण करने अनि ज्ञान हमी ग्रहण करे हमी कृतज्ञ बनना सक सिकौं कि जिस ज्ञान प्राप्त ग्यौं ते को आधार हमी इसको मतलब होने कि यहाँ मेरो आभार माम्रा ठूला गुरु त हमारा ये ग्रंथ हु आदि गुरु शंकराचार्य हु ये ग्रंथर को आभार मनो जिसका कारण ले आज हम शिक्षा यहाँ प्राप्त करने सकता छे कृतज्ञ बनुन हिजो भन्ने मन थी बिर्से हिजो एटा शब्द योजना भाथ कि हमी धर कृतज्ञ छो कृतज्ञ छू हो ज होता हाई कृतज्ञ मैंने उल्टो हो फे कृतज्ञ को uh, वो उल्टो हो विचार शब्द सर सर भाख अर्थ के कुरा हो जी बुझ्भ तीराद हिजो को हो यो यो शब्द आय को लीक तर ये शब्द जानू पर्चवा सब में पुनश्च प्रणाम शुभ दिन हो ओम गुरुहरू आज निर्धारित निर्धारित समयभन्दा पन्ध्र सोह्र मिनट पछाडि पनि परिसकेको थियो त्यही भएर नि आज अलिकति टाइम गए जस्तो भइरहेछ आज सीताराम विवाह जुन बेलाका महान नारीहरूको जुन गुरु गुरुजीबाट हामीले सुन्यौँ हामीले पनि अलिअलि अब चिनेका थियौँ नि उर्मिला सीता भनेर ती महान नारीहरू जस जो त्यागी थिए तपमा रहँदै आएका थिए ती नारीहरूको सम्मान हामी हृदयबाट था नै गर्न सकौँ र एकजना शिष्यले गुरुलाई भन्नुभएछ गुरुज्यू म भगवान्सँग सोधिदिनु मलाई भगवान्सँग सोधिदिनुहोस् मेरो मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन गुरुले भन्नुहुन्छ हुन्छ म तिमीलाई तिम्रो बारेमा म भगवान्सँग सोधिदिन्छु त्यो शिष्यलाई देखाउँदै प्रभु यो मेरो शिष्य हो यसको मुक्ति छ कि छैन मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भगवान्ले भन्नुभयो बाबु तिमी जस्तो मेरो भक्तले मेरो शिष्य भन्दै ल्यायो त्यो तिम्रो शिष्यको मुक्ति अवश्य हुन्छ अनि फेरि भगवान्ले विचार गरेर भन्नुभयो त्यो तिमीले भक्तले मेरो शिष्य भन्दै ल्याए त्यो उसको उद्धार त भयो त्यो गुरुलाई सोध्नुभयो शिष्य त शिष्यको बारेमा सोध्यौ तिमी आफ्नो बारेमा चाहिँ मुक्तिको बारेमा सोधेनौ नि त भनेर त्यो गुरुलाई त्यो त्यो सानो बच्चाको गुरुलाई भगवान्ले भन्नुभएछ अनि फेरि अनि त्यो गुरुले भन्नु अनि भन्नेभएको छ नि त गुरु मेरो पनि मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भनेर भगवान्ले भन्नुभयो हुँदैन निश्चित छैन किनभने किन, किन प्रभु भनेर उहाँले आश्चर्य मानेर सोध्नुभयो किनभने किताबी ज्ञानले शिक्षित भएर मात्र ज्ञानै हुँदैन ज्ञानै हुनको लागि तिमीले ती सबै शिष्यहरू जो तिमीसँग ज्ञान लिन लालहित भएका छन् ती सबैले सब सब मेरो गुरु पनि भन्नु पऱ्यो जसरी तिमीले मेरो शिष्य भन्यौ नि तिमीले पनि तिनीहरू सबैलाई मेरो तिनीहरू सबैले मेरो गुरु पनि भन्नु पऱ्यो त्यो अवस्था छ कि छैन समान व्यवहार छ कि छैन तिमीमा त्यो ज्ञान नआउन्जेलसम्म तिम्रो मुक्ति हुँदैन त्यसैले तिम्रा इन्द्रियहरूलाई मनले रक्षा गर अनि मनको रक्षा बुद्धिले गर्छ बुद्धिको रक्षा ज्ञानले गर्छ त्यो ज्ञानले तिमी भित्र भएका सम्पूर्ण अज्ञानहरू हटाएर उज्यालोतिर धकिल्छ यो तब त्यो आत्माले फेरि कन्धारा रूपी शरीरभित्र पस्नु पर्दैन फेरि मर्न जन्मन पर्दैन अनि त्यसैले हामी जस्ता अनि बल्ल तिम्रो मुक्ति हुन्छ त्यति ज्ञान तिमीमा प्राप्त भयो भने तिम्रो मुक्ति हुन्छ त्यसैले हामी जस्ता अज्ञानीले सबै किसिमका वासनाबाट टाढा रहन सकौँ गुरुबाट यस्तै यस्तै ज्ञान हामीले लियौँ अनि हामी सबैले भन्न सकौँ हाम्रा गुरुदेवहरूको पनि मुक्ति होस् हे भनेर हामीले प्रार्थना गर्न सकौँ यति कामना गर्न सिक्यौं गर्न सकौँ गुरुदेव ओम आभार व्यक्त गर्दछु ओम यो आनन्दको उज्यालोबाट कहिले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै अति आदरणीय गुरु लवराज भट्ट गुरुजीलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु गुरुदेव ओम हजुर अब आजका आवृत्ति तथा देव प्रचलन दीप प्रज्वलनकर्ताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजका आवृत्तिकर्ता आदरणीय पुरुषोत्तम गुरुजी हजुरलाई पनि धन्यवाद टक्र्याउँदछु र ईश्वरीय कृपाबाट पाएका प्राविधिकहरूलाई धन्यवाद र धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थिति ज्ञानी धन्यवाद दिँदै यस अध्यात्म संस्कारका संयोजक आदरणीय मैनाली गुरुजीलाई नमन वन्दन गर्दछु र गुरुज्यू यदि यहीँ वरि आइबस्सेको छ भने यो माइक र मञ्च म आदरणीय संयोजक गुरुजीलाई दिँदै म बिदा हुन्छु ओम हजुर यदि गुरुज्यू हुनुहुन्न भनेदेखि संयोजक गुरुज्यूहरू हुनु हुनुहुन्न भने म प्रविधिमा बस्ने आदरणीय वन्दनीय जीवहरूलाई एउटा मिठो भक्ति सन्देश लगाइदिँदै यो कार्यक्रमलाई अन्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दैछु ओ हजुर